पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। धीरे धीरे सुबह और शाम ठंड बढ़ रही है। हालांकि दिन में तेज धूप के चलते लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस बीच सुबह के समय कोहरा भी है, जिससे विजिबिलिटी भी कम है। हालांकि इससे वाहन चालकों को कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 26 एवं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। उधर स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष ने बताया है कि अभी हाल फिलहाल प्रदूषण से बहुत राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे वायु प्रदूषण से भी थोड़ी राहत मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगले कुछ दिनों के दौरान दिन में तेज धूप खिली रहेगी, लेकिन सुबह और शाम को ठंड का ज्यादा असर दिखाई देगा। इस बीच मंगलवार सर्दियों के इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। अधिकतर तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान इसी सीजन का सबसे कम रहा। हवा में नमी का स्तर 35 से 95% रहा। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह हल्का कोहरा और कम तापमान था, हवा की गति भी शांत थी। ऐसे में प्रदूषक तत्व उड़ नहीं पाए और वातावरण में जमने लगे। ऐसे में हल्का स्मॉग भी देखने को मिला। सुबह 5:30 बजे सफदरजंग और पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता का स्तर घटकर 600 से 800 मीटर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।